हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ फैज़ाबाद में गुलाब बाड़ी में बैठा हुआ हूँ। यहाँ की मैं पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी अच्छा ये बना हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के आपको गुलाब के फूल मैं दिखाऊँगा अभी। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ का जो टिकट चार्ज है और बाइक पार्किंग या कार पार्किंग का जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग यहाँ पर आइए, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और आज मैं अकेले आ गया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने, तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मेरे साथ सिर्फ आप लोग ही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं अंदर, और अंदर चल के आपको दिखाते हैं। और बाहर से देखिए क्या नज़ारा है, ये लखनऊ के एकदम बड़ा इमामबाड़ा की तरह लग रहा है, काफ़ी सुंदर है। तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। इस इमारत के बीच में एक बहुत बड़ा अशोक स्तंभ बना हुआ है, और कहा जाता है ये देश का अकेला एक ऐसा मकबरा है जहां पर भारत सरकार ने अशोक स्तंभ लगवा रखा है। आप लोग इसका गेट देखिए कितना खूबसूरत है। तो चलते हैं इस गेट से अंदर। यहां पर पानी पीने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, वाटर कूलर लगा हुआ है। यहां पर इसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। जैसे ही अंदर आएंगे आपको एक इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, पार्क में वाहन लाना, फूल तोड़ना, टैंक में कचरा डालना एवं पार्क में खेलना सख्त मना है। तो आप लोग यहाँ आए तो ये सब ना करें। यहाँ पे आप लोग मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर फाउंटेन लगा हुआ है और इसमें छोटी छोटी मछलियाँ हैं। मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको मछलियाँ देखने को मिलेंगी, छोटी छोटी मछलियाँ हैं लेकिन बहुत सारी हैं। काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, सामने से तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वीडियो में उतना पता नहीं आपको कैसा लगे। और ये इमारत देखिए आप सामने से। अभी हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं और दोनों तरफ फाउंटेन लगे हुए हैं, लेकिन अभी चल नहीं रहे हैं, शायद कुछ ख़राब होगा। इस मकबरे का निर्माण अवध के तीसरे नवाब नवाब शुजाउद्दौला ने इस मशहूर इमारत को बनवाया था, और आज भी उनकी और उनके माता पिता की कब्र इस मकबरे में मौजूद है। और इसके ऊपर जाने का भी रास्ता है, लेकिन उसको सरकार ने बैन कर दिया है, तो वहाँ पर जालियाँ लग चुकी हैं, ऊपर नहीं जा सकते। जो दिखाता हूँ मैं नीचे से दिखा देता हूँ आपको। देखिए ऐसे ही जालियाँ लगा के यहाँ पर ताला बंद है, और यहाँ पर यहाँ भी ताला बंद है, तो इसके अंदर प्रवेश वर्जित है। ये जो बोर्ड ऊपर लगा आप लोग देख रहे हैं, इसमें लिखा है नवाब शुजाउद्दौला के ज़माने से प्रोग्राम होता हुआ आ रहा है, ये उसकी लिस्ट है। लोकेशन की बात करें तो बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से लगभग 3-3 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ की लोकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख के भी आ सकते हैं। और इसका थोड़ा बहुत रेनोवेशन का काम चल रहा है, आप लोग देखिए सामने, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं नीचे, आप लोग देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाया जाए। देखिए कितना खूबसूरत है। गुलाब बाड़ी के चारों तरफ यहाँ आप लोग एक फाउंटेन इधर देखिए, एक इधर देखिए, चारों तरफ ऐसे दो दो फाउंटेन लगे हुए हैं। टोटल 8 फाउंटेन बनाए गए हैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी टाइप के फूल लगाए गए हैं, आप लोग यहाँ देखिए। थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अब जाके बारिश रुकी है, तो अभी हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए थे। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जो मैं आपको बता रहा था, इस गुलाब बाड़ी के अंदर बहुत सारे गुलाब हैं, तो आप लोग ये पीछे देखिए, ये पूरा गुलाब का एरिया है, और यहाँ पे चारों तरफ गुलाब ही गुलाब लगे हुए हैं। अभी काफ़ी छोटे छोटे पौधे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ, पूरे लाइन से लगाए हुए हैं पौधे। तो गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ इतने सारे गुलाब क्यों लगाए गए हैं, आखिर क्या रीज़न है जो यहाँ पर इतने सारे गुलाब लगाए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूँ, पहले के जो नवाब होते थे वो
जैसे पूरे दिन थक जाते थे, तो जैसे हम लोग हैं अभी थक जाते हैं तो शाम को मोबाइल चला लेते हैं या कोई कॉमेडी वगैरह कर लेते हैं तो माइंड फ्रेश हो जाता है। लेकिन जो राजा लोग थे वो यहाँ आते थे, यहाँ पर टहलते थे तो एक गुलाब की जो खुशबू है उसे लेते थे, तो उनका माइंड पूरा फ्रेश हो जाता था, तो इसीलिए यहाँ पर लगाया गया है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो गुलाब के पौधे लगाए गए हैं और पेड़ ओड़ लगा हुआ है उसके अंदर जाना वर्जित है, इसलिए आप लोग देखिए इसके किनारे किनारे आपको तार बंधा हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए जो गुलाब के पौधे हैं वो थोड़े बड़े हो गए हैं। यहाँ पे देखिए जो फाउंटेन बना है उसके अंदर पानी भरा जा रहा है। यहाँ पर जो पीछे गेट लगा है आप लोग देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है, मुझे लगता है कोई इसे अकेले खोल नहीं सकता। तो ये है बाहर जाने का रास्ता, तो चलते हैं बाहर। सो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।